इस लेक्चर में मार्च 21 में से इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडर्ड लिमिटेड, उसको सॉल्व करेंगे। एसएल इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिक ओवन्स। इट फॉलोज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएल रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फेब 21। और रिक्वायर्ड क्या है हमसे, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमसे रिक्वायर्ड हैं टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। तो एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स आ जाएंगे और डेट आ जाएगा और फिर उनकी अमाउंट आ जाएगी। तो पहला क्या है पॉइंट, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है कंसिस्टेड ऑफ 2,20,000 यूनिट्स हैविंग एवरेज कॉस्ट ऑफ 7,000 पर यूनिट। तो 2,20,000 ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 2,20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7,000 यूनिट रेट हो गया और इनकी अमाउंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2,80,000 यूनिट्स वर परचेज ऑन 5 फरवरी 2021 एट ₹7,200 पर यूनिट। तो 5 फेब को परचेजेज आ गई 2,80,000 की एट द रेट ऑफ 7,200 पर यूनिट, 7,200 पर यूनिट। तो इनको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी। टोटल यूनिट्स हमारे पास आ गए 5 लाख के, टोटल अमाउंट आ गई। के बाद पर यूनिट का एक रेट, वेटेड एवरेज रेट आ गया 7,112। तो यहाँ तक जो है एंट्री कर लेते हैं पहले। तो एंट्री जो होगी हमारे पास इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, परचेज इन्वेंट्री डेबिट, और इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, परचेजेस डेबिट, और पेबल क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, ये जो हमने फाइंड की है अभी, तो ये हमारी एंट्री भी साथ साथ हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट भी हो गया। 1,80,000 यूनिट्स वर सोल्ड, 1,80,000 यूनिट्स जो है वो इशू हो गए हैं खुर्रम लिमिटेड को 10 फेब 21 में। तो 10 फेब को इशू हो गए 1,80,000 यूनिट्स। इनका रेट जो 7,112 है वही हो जाएगा। 1,80,000 इंटू रेट से मल्टीप्लाई, इनका टोटल कर लेते हैं और पर यूनिट का रेट 7,112 ही आएगा। अच्छा, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री जो है हमने इशू की है, तो अगर सेल्स हमें अमाउंट दी भी होती तो सेल्स की भी एंट्री हो जाती, लेकिन अभी सिर्फ इन्वेंट्री की एंट्री होगी। तो COGS डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट हमें दी हुई है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। उसके बाद 5,000 defective units were returned by KL on 12 Feb 21. तो ये इशू की तो एंट्री हो गई थी। अब ये जो इशू किए थे हमने KL को 1,80,000 यूनिट्स, उसमें से 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स थे जो कि रिटर्न हो गए 12 फेब को रिटर्न आ गए हैं कुछ यूनिट्स जो कि हैं 5,000। तो इतने यूनिट्स हमारे पास रिटर्न आ गए। उसके बाद 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो रिटर्न हो गए, बस यही है इस पॉइंट में। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। इन्वेंट्री हमारे पास वापसी आ गई है और COGS क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, हमने ये वाली एंट्री को रिवर्स कर दिया। अमाउंट आ जाएगी 2,000 के बाद इसको टोटल कर लेते हैं। और पर यूनिट का रेट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यही आएगा 7,112। नेक्स्ट देखते हैं 30% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू SL हैड अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। अच्छा, ये जो 5,000 यूनिट्स जो हैं KL ने जो रिटर्न की हैं SL को, SL कौन है? हम लोग हैं। SL कंपनी है। हैड अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एंड वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 15 फेब 21। अब जो हमने सेल की थी वो रिटर्न, हमें जो वापसी आई है उसमें से जो 30% है डिफेक्टिव यूनिट्स वो हमने वापसी कर दी है सप्लायर को। तो 15 फेब को एक एंट्री बनेगी रिटर्न टू सप्लायर की। 5,000 में से 30% डिफेक्टिव यूनिट। अच्छा, ये हमने परचेज कितने की किए थे? 7,200 के। तो इस पर रेट भी 7,200 का लगेगा जब हम रिटर्न कर रहे हैं। तो 1,500 × 72 के बाद क्या कह रहे हैं? रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग एट द वेयर हाउस। दीज यूनिट्स वर डिस्पोज ऑफ एज स्क्रैप ऑन 20 February 2021 फॉर ₹2,000 पर यूनिट। तो पहले जो हमने रिटर्न कर दिए सप्लायर को उसकी एंट्री रिवर्स कर लेते हैं। ये जो हमने एंट्री की थी इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो पेएबल हमारा कम हो जाएगा और इन्वेंट्री हम रिटर्न कर दी है हमने। उसके बाद यहीं पर एक एंट्री बन जाएगी। वो क्या कह रहे हैं? रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट जो हैं वह डैमेज थे ड्यू टू मिस हैंडलिंग एट द वेयर हाउस। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ। दीज यूनिट्स वर डिस्पोज ऑफ एज स्क्रैप ऑन 20 February 2021। तो यूनिट्स का टोटल कर लेते हैं पहले। के बाद 20 Feb को डिस्पोजल हो गया। 5,000 का 30% तो हमने रिटर्न कर दिए थे, तो 70% जो यूनिट बचे वो जो के हैं 3,500, उनको हमने डिस्पोज करना है। 3,500 इंटू दिस, तो इस पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे हमारी बुक से। और इसकी एंट्री जो है हमारे पास कैश आ जाएगा। और क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है इसलिए गेन या लॉस P&L में चले जाएगा और इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। इन्वेंट्री जो क्रेडिट होगी उसकी हमने अमाउंट फाइंड कर ली है। और कैश कितना आया हमारे पास? These units were disposed of as scrap on 20th Feb 21 for 2000 per unit. So 2000 into कितने 3500 यूनिट्स हैं, 3500 यूनिट्स. तो रिमेनिंग जो अमाउंट बच रही है वो लॉस हो जाएगा हमारा 17890 का. और इसको क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे. अगर नॉर्मल लॉस होता तो हम इसे COGS में से कम कर देते. अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. 5000 यूनिट्स वर सेंट टू KL. KL कौन है, जिसको हमने पहले यूनिट सेल किए थे. अगेन उसको 5000 यूनिट्स बेचने 22 फेब को इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स. पहले क्योंकि वो डिफेक्टिव यूनिट्स तो उसने वापसी कर दिए थे, पर अब हम सही यूनिट्स दोबारा उसको 5000 यूनिट्स सेल कर रहे हैं. तो 20 का टोटल 22 फेब को. फिर हम इशू कर रहे हैं 5000 यूनिट्स इशू कर रहे हैं. अगेन यहाँ पे सेल्स की अमाउंट नहीं दी है तो सेल्स की एंट्री नहीं बनेगी, डायरेक्ट COGS डेबिट और इन्वेंट्री की एंट्री बन जाएगी. के बाद 22 फेब के बाद 150,000 यूनिट्स वर सोल्ड ऑन 25 फेब 21. 150,000 दोबारा इशू हो रहे हैं 25 फेब को. टोटल 25 फेब को अगेन इशू हो रहे हैं 150,000 यूनिट्स. रेट और इनकी अमाउंट आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे. ये यूनिट्स यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि इशू हुए हैं और जो रिमेनिंग बच जाएंगे इसकी एंट्री COGS डेबिट हो जाएगी और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी. अब नेक्स्ट जो है 25 फेब के बाद 28 फेब को फिजिकल स्टॉक काउंट हुआ है. वाज कैरिड आउट एंड द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड. 4500 units were identified as obsolete, having NRV of 6000 per unit, और 500 units जो हैं were found missing. तो missing units तो यहाँ से less हो जाएंगे 28 फेब को. 28 फेब को missing units 500 से rate amount आ जाएगी. तो मिसिंग यूनिट्स जो हैं क्योंकि ये हमारा मिसिंग यूनिट्स की COGS को डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी. तो ये अभी तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. अब बस एक एंट्री हमारी रह गई है. पहले इनको बैलेंस फाइंड कर लेते हैं. यूनिट्स आ गए 164,500 और जो अमाउंट बची है वो है 116985 पर यूनिट का रेट फाइंड हो जाएगा इससे हमारे पास। तो 711,159 का रेट भी आ गया। तो स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो 4500 यूनिट्स जो है 4500 यूनिट्स जो है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो डिफेक्टिव या ऑब्सोलीट यूनिट्स जो हमारे पास 4500 हैं, इनकी जो एनआरवी है, एनआरवी दी हुई है 6000 पर यूनिट की। 6000 पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर रहे हैं। और जो नॉर्मल यूनिट्स हैं, नॉर्मल यूनिट्स 164,500 में से डिफेक्टिव हटा देंगे। ये कैरी हो रहे हैं 7,111.59 पे और इनकी अमाउंट आ जाएगी, टोटल ऐड हो जाएंगे। तो जो बुक्स में कैरी हो रहे थे वो 116985 पे, और जो डिफेक्टिव यूनिट्स के बाद अमाउंट आ रही है वो ये आ गई। तो इनमें चेक करते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। इस डिफरेंस को नॉर्मल लॉस है, ये हमारा नॉर्मल लॉस की एंट्री हो जाएगी। COGS डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी इसी अमाउंट से। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, उसमें कुछ परचेजेस आ गई थी, कुछ हमारे पास इशू आ गया था। जो इशू किए थे 1,80,000 में, उसमें से 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न हो गए थे। फिर वो जो डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न हुए थे उसमें से 30% जो अमाउंट थी वो हमने रिटर्न कर दी थी अपने सप्लायर को, जिससे हमने परचेज की थी। और जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमने स्क्रैप में भेज दी थी, डिस्पोज कर दी थी। उसके बाद जो है 5,000 यूनिट्स हमने जो रिटर्न आए थे हमें KL से, वो हमने अगेन उसको इशू कर दिए। और 150,000 यूनिट्स फिर हमने इशू किए 28 फरवरी को, फिजिकल स्टॉक काउंट जब हुआ था मंथ एंड पे, तो उसमें हमें पता चला कि 4500 यूनिट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, ऑब्सोलीट हैं, और 500 यूनिट्स जो हैं वो मिसिंग हैं। तो पहले 500 यूनिट्स जो मिसिंग थे वो हमने COGS में डाल दिए। उसके बाद जो 4500 डिफेक्टिव यूनिट्स थे, उन डिफेक्टिव यूनिट्स को हमने पहले नॉर्मल यूनिट्स रखे, उसकी नॉर्मल यूनिट की जो पर यूनिट की अमाउंट आ रही थी उससे रखा। डिफेक्टिव यूनिट्स को हमने उसकी NRV पर रखा जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी। तो जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट आई उसको हमने बुक्स की अमाउंट से कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि नॉर्मल लॉस आ रहा है। उस नॉर्मल लॉस को हमने एंट्री कर दी, COGS डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।